लेकिन मैं फरमीदा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बथुए के पराठे, जिसके लिए हमने ये बथुआ गैस पर रख दिया है। बथुआ 500 ग्राम है और हम इसमें पानी डाल देंगे, आधा चम्मच नमक डाल देंगे। तो हम इसे उबलने के लिए रख देते हैं, जब ये उबल जाएगा फिर हम इसका आटा गूंदेंगे। चलिए, हमारा बथुआ तैयार हो चुका है और गल भी गया है। अभी हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे गैस बंद करके, फिर आटे में गूंदेंगे। हमारा बथुआ उबल चुका है और ठंडा हो गया है, अब हम इसे आटे में डालेंगे। ये हमने 2 कटोरी आटा ले लिया है, अब इसमें हम ये बथुआ डाल रहे हैं। हम इसमें आधा चम्मच मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा नमक हमने बथुए में डाला था, थोड़ा सा डाल लेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डाल रहे हैं और बथुए का पानी भी डाल लें। इसमें आप चाहें तो ना डालें, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब हम ये आटा गूंद रहे हैं। देखिए, हमारा आटा गूंद चुका है, हम इसको ठीक से रख देंगे। हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, फिर इसके पराठे बनाएंगे। देखिए, हमारा आटा तैयार हो चुका है, अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। ये हमारे पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं, गैस ऑन करते हैं। हम एक पेड़ा लेंगे और इसके अंदर करेंगे इस तरह से, और इसको चकले पे बेल लेंगे। हम इसे बेल लेंगे, हमारा पराठा बन चुका है, अब हम तवे पे डाल रहे हैं। अब हम इस पर तेल लगा देंगे। देखिए, अब हम इस पर तेल लगा देंगे। अब हम इसे पलट देंगे, अब दूसरी तरफ लगा देंगे। हम सेक रहे हैं, हमारा पराठा तैयार हो चुका है। देखिए, हमारा पराठा अच्छे से सीख रहा है, एकदम तैयार है। देखिए, हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है, हम इसे उतार लेंगे। देखिए, हमारे पराठे बन के तैयार हैं। आप इन्हें दही से खाएं या चटनी से खाएं या अचार से खाएं, और आप भी ट्राई करें और हमें बताएं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।